नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई लास्ट ईयर एएनएम की जो वैकेंसी आई थी, लास्ट ईयर नहीं, लास्ट टाइम जब एएनएम की वैकेंसी आई थी तो कितनी आई थी, क्या कट ऑफ रही थी और इस बार क्या कट ऑफ जाने वाली है। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर कोई बुक्स बता दो, तो कौन सी बुक से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या कोई ऐसी बुक्स हैं जो आपका सिलेक्शन करा सकती है, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं मोटा मोटा आपको बता दूँ कि जब वैकेंसी लास्ट टाइम आई थी तो टोटल 89 वैकेंसी थी, आपको याद रखना है, यानी 90 वैकेंसी आई थी। फ़िलहाल इस बार तो वैकेंसी से 1.5 गुना आई है, मोटा मोटी आप मान सकते हैं 150 वैकेंसी के आसपास है, ठीक है। जब 90 वैकेंसी आई थी तो क्या कट ऑफ गई थी वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये 2018 में फॉर्म निकले थे, 1920 में जाकर इसका एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम DSSB सोई हुई थी। अब DSSB प्रॉपर लाइन पर आ गई क्योंकि लोग जागरूक हो गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा वेट मत करना कि DSSB 1-2 साल में एग्ज़ाम लेगी, अभी आपको तीन चार महीने में या 2-3 महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस डेट को एग्ज़ाम है, एडमिट कार्ड निकलेंगे। तो आपको 3-4 महीने लास्ट मान के चलना है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन की वजह से 5 महीने हो सकता है, 1 साल कोई वेट नहीं करेगा, ये आपको याद रखना है। 90 वैकेंसी टोटल आई थी तो क्या कट ऑफ गई थी वो एक बार मैं आपको दिखा। देखिए, उस टाइम कट ऑफ गई थी 200 मार्क्स का पेपर था, 96 UR बच्चों की गई थी, यानी जिसके 96 से ऊपर मार्क्स थे उनका सिलेक्शन हो गया था। OBC 81 पर, SC 75 पर और ST 61 पर उनका सिलेक्शन हो गया था। फिर मैं आपको बताता हूँ, ये उस टाइम की बात थी जिसमें ANM में कंपटीशन ना के बराबर होता था, ANM का इतना क्रेज़ नहीं था और ना इतने बच्चे थे जो ANM करके बैठे थे। देखिए, अब मेडिकल लाइन में कंपटीशन ज़्यादा है, बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक कोई वीडियो डालता है, किसी भी चैनल पर डालता है, मेरे नहीं, किसी भी चैनल पर ANM क्वेश्चन के रिगार्डिंग, उस पर हज़ारों में व्यूज़ आ जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हज़ारों में तो बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यूट्यूब ज़्यादा नहीं देखते, किसी और ही चैनल को अपना इस मतलब नहीं, इधर उधर चैनल को देखते, तो वो अपने घर से भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप मान सकते हैं इस बार बच्चे कंपटीशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा हैं, हज़ारों में बच्चे आपको मिलेंगे। वो कितने होंगे वो डाटा मुझे मिलेगा तो मैं आपको 2-4 दिन में अपडेट कर दूंगा, किसी के थ्रू अगर वो डाटा मिलता है तो। तो उस टाइम ये कट ऑफ थी, तो इस टाइम मेरे हिसाब से जब फॉर्म निकलने थे DSSB के थ्रू, तो कट ऑफ मेरे हिसाब से थी कि भैया UR की तो 120 प्लस जानी चाहिए, OBC की 100 प्लस जानी चाहिए और SC की 90 प्लस जानी चाहिए। लेकिन प्लस पॉइंट ये है इस बार ANM के बच्चों के लिए कि इस बार DSSB ने 144 पोस्ट के लिए INC मांग लिया है, यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहीं YouTube वगैरह से देखा है कि भाई INC तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चाहिए। देखिए, ये गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म हैं, ये कोई किसी के घर के फॉर्म नहीं है कि भाई कोई भी रूल रेगुलेशन उस टाइम आपको छोड़ दिया जाएगा। नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ें तो आपको देखना वहाँ साफ साफ लिखा है कि सारे डॉक्यूमेंट, सारी क्वालिफिकेशन या आपकी एज 19 अप्रैल 2024 से पहले की होनी चाहिए। ये नहीं कि भैया एग्ज़ाम तो 2 साल बाद होगा, तब तक तो मेरी एज अभी 17 साल है, या अभी मेरी एज 18 साल है, 20 मांगी है, तब तक कौन 20 का हो जाऊँगा, तब की तब देखेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि भाई तब तक मेरा INC आ जाएगा, INC तब तक आए या ना आए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे ये भी हो सकता है कि चलो भाई मैं फॉर्म भर देता हूँ, 1-2 साल में एग्ज़ाम लेंगे सोच के, तब तक मेरा सिलेक्शन होगा, तब तक डॉक्यूमेंट की बारी आएगी, क्या पता मेरा ANM कोर्स कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम में
नोटिफिकेशन निकलता है, उसी के थ्रू उनको काम करना पड़ता है। सबके एडमिट कार्ड आ सकते हैं क्योंकि आपने यस किया, INC हमारे पास है। तो जिन बच्चों ने INC अपना यस कर दिया है और INC 19 अप्रैल के बाद बन रहा है, किसी भी YouTube चैनल पर जा रहे हैं तो नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेना, उसमें साफ साफ लिखा है। और ऐसा नहीं होता कि भाई कोई बच्चा जाके वहाँ सिफारिश लगाएगा कि हमारा लेट बना था सर, एक्सेप्ट कर लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, बिल्कुल वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऐसी लिस्ट जानी थी, INC मांगा तो INC बच्चों के पास है ही नहीं, तो लिस्ट आप सोच सकते हैं कि इस बार कम जाने वाली है, ठीक है। कितनी जाएगी वो मैं आपको फिर भी आइडिया देता हूँ। यूआर के बच्चों आपको सोच के चलना है कि कम से कम 100 प्लस मार्क्स लेके आएँ, 100 थोड़े कम हो जाएंगे, 110 के आसपास आपको लाने पड़ेंगे। OBC 100 लाएँ और SC 85 या 90 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे आपको, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है भाई। ऐसा नहीं कि सिलेक्शन 96 पे हो जाएगा, थोड़े से मार्क्स आपको ज़्यादा लाने पड़ेंगे। इतना टफ नहीं है कि भाई इतने मार्क्स हम नहीं ला सकते, ये काफ़ी इजी है इतने मार्क्स लाना, क्योंकि ANM का जो कोर्स किया आपने उसमें आप 60-70 तो मार्क्स ला ही सकते हैं अगर आप पढ़ते हैं। बाकी मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश है, उसमें भी थोड़ा आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। देखिए बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर कोई बुक्स है जिसके लिए हम प्रिपरेशन करें और हमारा क्लियर हो जाए। देखिए ऐसी कोई बुक्स नहीं होती कि भाई मैं आपको बता दूं, बहुत सारी बुक आती हैं DSSSB ANM करके, आप उनको खोल के देखना, एक बुक होगी उसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी और ANM का भी सारा पोर्शन होगा, 300-400 पेज की होगी। तो वो सिर्फ आपके लिए ऐसा कर सकती है कि भाई आपका कुछ इम्प्रूवमेंट करा सकती है, सिलेक्शन की गारंटी कोई बुक नहीं दे सकती, क्योंकि इतना लिमिटेड सिलेबस नहीं दिया जा सकता कि लो भाई 400 पेज पढ़ो। बहुत सारे बच्चे बैठे 400 पेज पढ़ लेंगे और सिलेक्शन पाएंगे, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस कहीं से कोचिंग लेनी है, या फिर आप जैसे कोई पोर्शन है कि भाई मैथ्स की तैयारी मैं खुद कर सकता हूँ, यूट्यूब वगैरह से आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो भाई कोई एक बुक ना लें, हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक लें, उसमें से सारा चाहे ना भी पढ़ें, मेन क्वेश्चन पढ़ें, लेकिन आपको 5-6 बुक्स लेनी पड़ेंगी। ज़रूरी नहीं है, आजकल PDF में बुक्स मिलती हैं, वहाँ से भी आप उठा सकते हैं, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर पुरानी बुक्स आप कहीं से या अपने फ्रेंड्स वगैरह से ले सकते हैं। मैथ्स की अलग लीजिए, प्रीवियस ईयर बुक्स के नाम मैं यहाँ नहीं बता सकता, आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, वहाँ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। एक बुक्स में अगर कोई आपका सिलेक्शन करा रहा है तो वो बेफिजूल है, ऐसा ना करें, ठीक है। मैथ्स की अलग बुक्स आती है, सबसे पहले अपना ANM का जो 100 मार्क्स का वो रिवाइज़ करें, फिर रीजनिंग में जाएं, क्योंकि रीजनिंग इजी है, आप कर पाएंगे। फिर आप हिंदी में जंप करें, हिंदी भी आप पढ़ेंगे 5-7 दिन, मुहावरे याद करेंगे, अलंकार याद करेंगे, कारक वगैरह पढ़ पाएंगे। उसके बाद बारी आती है इंग्लिश की, उसके बाद मैथ्स में जंप करें, या मैथ्स इंग्लिश आप अपने आप देख सकते हैं कौन सा हमारा मेन है, जहाँ हमारे प्लस पॉइंट है। लास्ट में GS में जंप करना है, क्योंकि GS एक समुंदर है, उसको तैरना मुश्किल है। जो SSC की तैयारी करते हैं प्रॉपर, DSSB की तैयारी करते हैं, वही बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, तो आपके लिए तो एक बहुत मुश्किल काम होगा। तो फ़िलहाल इसको आप लेट ही कीजिए करें, तो पहले आप जो मैंने बता दिया इस तरीके से आप तैयारी करें। कोई डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।